आज मैं फिर से मेरे किचन पे आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ कॉलीफ्लावर मंचूरियन, गोभी मंचूरियन। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी होता है मंचूरियन, तो सबको बहुत पसंद आता है। तो मैं मेरे तरीके से बनाई, इजी तरीके से बनाई। तो चलो मेरे किचन पे और मैं बना के दिखाती हूँ क्रिस्पी गोभी मंचूरियन। तो गोभी मंचूरियन बनाने के लिए एक मीडियम साइज के गोभी लिया मैंने और बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे पतले पतले साइज में काट लिया है। बॉयल बिठा दिया मैंने, इसमें मैं भी डालूंगी 2 चम्मच नमक। नमक घोलते ही गोभी हम इसमें डाल देंगे। गोभी को हल्का सा बॉयल करना है, मीडियम बॉयल करना है। 5 मिनट इसको गर्म पानी में उबालना है तो मीडियम बॉयल हो जाएगा। 5 मिनट हो गया है, हाफ बॉयल हो गया है ये। अभी मैं इसको बंद करके छान लूंगी। गरम पानी छानते ही ठंडा पानी डालना है, ठंडा पानी में धोना है ताकि इसकी जो गरम पानी में बॉयल होने के बाद का जो अंदरूनी गर्माहट रहता है उसमें गोभी गल जाएगा, इसलिए हमें ठंडा पानी में इसको अच्छे से धो लेना है। बिल्कुल परफेक्ट है गोभी बॉयल। अब मैं गोभी को मैरिनेट करूंगी। 1 चुटकी नमक, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट और 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर लाल कलर आने के लिए। अभी इन सबको हाथ से अच्छे से मिलाएंगे। तो मिक्स कर लिया, अभी मैं इसको मैरिनेट को 10 मिनट के रखूंगी, तब तक मैं बैटर बनाती हूँ। तो बैटर बनाने के लिए 1 कप मैदा ले लूंगी। ये 1/4 कप मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्ची पाउडर, अच्छे से मिलाएंगे। 2 चम्मच ऑयल अभी मैं इसमें डालूंगी और भी फिर अच्छे से मिक्स करूंगी। तो ऑयल को भी अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मैं एक अच्छा सा बैटर बनाऊंगी। तो बिल्कुल एक अच्छा सा बैटर बना लिया है मैंने। ज्यादा थिक भी नहीं है और ज्यादा पतला भी नहीं है। ये आप चाहो तो इसमें चावल के आटा भी यूज कर सकते हो, ज्यादा क्रिस्पीनेस चाहिए तो। मेरे पास नहीं है तो मैं इसी से बना रही हूँ। मैं सारे गोभी को इसमें डालूंगी ताकि मेरे सारे गोभी अच्छे से कोट हो जाए। तो गोभी ऐसे अच्छे से कोट हो गया है। अभी मैंने कढ़ाई में ऑयल बिठा दिया है, जब मीडियम गर्म हो जाएगा तब मैं इसको एक एक करके तल लूंगी। मीडियम गर्म होते मैं एक एक करके गोभी को तलूंगी। अभी इस टाइम को मैं निकल लूंगी ज्यादा क्रिस्पी करने के लिए। हाफ फ्राई करके निकल रही हूँ। इसके बाद एकदम बहुत ज्यादा गर्म तेल में मैं इसको तलूंगी दोबारा से। ऐसे मैंने सारे गोभी को हाफ फ्राई कर लिया। तो एक बार हाफ फ्राई कर लिया सारी कोटिंग सेट होने के लिए, अभी मैं क्रिस्पी करने के लिए एकदम लाल करके इसको तलूंगी फुल फ्लेम पे। एकदम फुल हीट ऑयल हो जाएगा उसमें। अभी हो गया है, मैं अभी सारे गोभी को इसमें डालूंगी और बिल्कुल अच्छे से फ्राई करूंगी जब तक एकदम रेड कलर ना आ जाए। अच्छे से फ्राई करना है तो गोल्डन ब्राउन करके मैंने तल लिया एकदम से क्रिस्प ऐसे। अभी मैं सब एक एक करके उठाऊंगा। तो बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हो गया है मेरे सारे गोभी। अब मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। बनाने के लिए पहले मैं एक सॉस बना लेती हूँ। तो इसमें मैं 1/2 कप पानी ले रही हूँ एक कटोरी में, और उसमें मैं डालूंगी सबसे पहले 1 चम्मच डार्क सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस,
एक चम्मच विनेगर, मैं डालूंगी एक चम्मच सेजवान चटनी। आप टोमेटो केचप भी डाल सकते हो, टोमेटो सॉस भी डाल सकते हो, सेजवान चटनी की फ्लेवर ही कुछ अलग होता है, तो मैं सेजवान चटनी डालूंगी। अब मैं इसमें इसके डालूंगी ग्रेवी को थिक करने के लिए थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी। तो कढ़ाई बिठा दिया, ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे एकदम फुल फ्लेम पे। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक बारीक कटी हुई, कसा फ्राई कर लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी ग्रीन ऑनियन, अभी मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई कैप्सिकम, अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे हल्का सा फ्राई हो जाएगा अब मैं इसमें डालूंगी, तो ये जैसे हल्का फ्राई हो गया इसमें मैं अभी ये जो बना हुआ ग्रेवी है ये डालने वाली हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो। चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ और मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। अच्छे से सब कुछ मिलाएंगे, अभी ये दो तीन दिन हिलाएंगे तो ये एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये टाइम आप अगर यूज करते हो तो अजीनोमोटो यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप अगर खाते हो तो, नहीं तो वो बिल्कुल हार्मफुल होता है, तो मैं तो सादा नमक यूज करके ही बना रही हूँ। थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया पत्ता डाल रही हूँ अच्छा फ्लेवर के लिए। अभी मैं ये बन गया है एकदम बिल्कुल ठीक, मैं अभी गैस बंद करूंगी, बंद करके उसके बाद मैं ये गोभी मिक्स करूंगी। गैस बंद कर दिया, अब मैं ये गोभी मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये ग्रेवी जितना गर्म है उतने ये बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा और बिल्कुल क्रिस्पी भी रहेगा। तो अभी मैं ऊपर से थोड़ा सा ये ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन डाल के अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ, तो प्लेटिंग भी मैंने कर लिया और बना लिया मैंने गोभी मंचूरियन, बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग बिल्कुल ऐसे ही बनाओ, मैं बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से बना के दिखाया, और आप लोग बनाने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा, और मेरे वीडियो भी कैसा लगा ये भी बताना। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।